बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में पुलिस द्वारा उत्पीड़न किए जाने पर फुटपाथ पर दुकान और ढक्के लगाने वाले दुकानदार कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र स्थित जयपुरिया गेस्ट हाउस से लेकर दुसायत क्षेत्र तक फुटपाथ पर दुकान और रेहड़ी लगाकर अपनी जीविका चलाने वाले दुकानदारों में पुलिस का डंडा चलने से आक्रोश है। पुलिस कार्यवाही के विरोध में आज दर्जनों की संख्या में महिला और पुरुष कोतवाली वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस द्वारा की जा रही बर्बरता की दास्तां बयां की। थाने पहुंचे लोगों का कहना था वह सड़क किनारे पोशाक आदि फड़ लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, वहीं पुलिस उन्हें अतिक्रमण हटाने के नाम पर अभद्रता करने के साथ साथ उनका सामान फेंक देती है। एक महिला ने बताया कि पति की मौत के बाद बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में फुटपाथ पर दुकान लगाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करती है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से उसके आगे रोजी रोटी का खतरा मंडराने लगा है। हमारा नाम उर्मिला, देखो जी, क्या देखो हमारा तो देखो हम दो रोटी कमाओ, चाहे रोड पे दुकान है नहीं, धंधे है नहीं है, गरीब आदमी है और बहुत हमें गरीब आदमी खाने नहीं है। क्या मामला है? जयपुरिया के सामने ढकेल पोशाक लोगों ने हटा दिया, बाजार में कर देते, देखो तीस हजार डरामा कर दे। किन लोगों ने हटाई आपके ढकेल? मैं तो आते हैं जो ताने आई नहीं बन आया। रीता प्रजापति, हाँ जी, क्या मामला हुआ है? देखो जी पोशाक लगा में हमारे बच्चा छोटे आदमी है नहीं, हमारे छह सात महीना है गे, और वो हम दम भी भगा दे, परसों भी हटा दिए, और अब भी नहीं होगा तो हटाओ नहीं, नाली पर फेंक देंगे हम यहाँ से। कौन लोग हटा देते? पुलिस बारे और वो सामने के दुकान बारे, मैं बताऊँ गौतम एक बेचारा कौन, दो तीन दुकान पोशाक बढ़िया लगाएंगे नहीं है हमारे गली में। आप लोगों ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने पूछी लोग तुम्हें क्या हटाओ, हटाओ तो सभी हटाओ, यहाँ तो वहाँ तो चौराहे था सबके वो ढकेल हटा गया, कोई नहीं लगा हुआ, रोड खाली करो, हमारे बच्चा छोटे, हमारा घर सामने, हम कहाँ जाओ सिकन से। क्या जी, क्या मामला हुआ? मामला ये है सर, ये हमारे ढकेल लगाते हैं यहाँ पर, तो हमारा माल फेंका गया है, चौकी इंचार्ज भी थे उसमें, और सुबह गौतम था उसमें, वो व्यापार मंडल वाले सारे लोग थे, और हमारा माल फेंकी है नाली में, सब माल सब फेंका है। कहाँ का मामला ये? बागी बिहारी रोड जयप्रिया भवन के सामने, पूरा ये चौराहे से लेके और वहाँ तक जयप्रिया था। आपने पूछा नहीं क्यों हटाए आपके माल? बता ही नहीं रहे, हमने पूछा था, हमारा तो माल डायरेक्ट फेंकते नाली में फेंकते हैं माल, हमारा कोटाई भी करते हैं, अभी परसों हमारा कोटाई की थी दुकान वालों सामने ने, और यहाँ पर देखो ये लगी पड़ी है डंडा। इधर आक्रोशित लोगों के पक्ष में कोतवाली पहुंचे भाजपा नगर अध्यक्ष राजेश पंडित ने इन लोगों का पक्ष लेते हुए कहा कि खास मौकों और पर्वों पर अतिक्रमण ना हो इसके लिए यह लोग स्वयं ही अपनी दुकान और फड़ हटा लेते हैं, लेकिन नाजायज तौर पर पुलिस द्वारा इन्हें परेशान करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्थानीय स्तर पर कार्यवाही नहीं हुई तो वह उच्चाधिकारियों से मिलकर कार्यवाही की मांग करेंगे। हाँ जी, देखिए क्या मामला? आज वृंदावन कोतवाली में अपने विद्यापीठ चौराहे से लेकर अपना बड़ौदा बैंक तक का जो क्षेत्र है वहाँ पर गरीब लोग वृंदावन शहर के ही अपना सड़क के किनारे सामान रखकर विक्रय करते हैं और अपनी जीविका का पालन करते हैं। आज इनकी शिकायत है, यह लोग सभी कोतवाली में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मुझे भी बुलाया गया, मैं इनकी समस्या को सुनने के लिए यहाँ आया हूँ। कोतवाल साहब अभी छुट्टी पर हैं, बाकी जो अधिकारी हैं उनको इनके विषय से अवगत कराया है। चौकी इंचार्ज बिहारी जी हैं प्रेम नारायण जी, कुछ अराजक तत्वों के साथ मिलकर उनके साथ जो इनका सामान फेंकवाया है उन्होंने, और इनके साथ अभद्रता की है, गाली गलौज की है। इस प्रकार का वातावरण अगर पुलिस के द्वारा बनता है तो वो निंदनीय है, और जो लोग इसमें शामिल हैं इनको पीड़ा देने में, इनको कष्ट पहुंचाने में, वो लोग उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और इन गरीब लोगों को सड़क के किनारे बैठकर अपना व्यापार करने देना चाहिए। वृंदावन में जब कोई अगर तीज त्यौहार है तो अतिक्रमण की दृष्टि से ये स्वयं ही हट जाते हैं, और इनको जो निर्देश प्राप्त होता है तब भी उसका ये पालन करते हैं, लेकिन आज जो इनके साथ जो घटना हुई है वो बेहद निंदनीय है, मैं उसकी निंदा करता हूँ।
आगे क्या कार्रवाई की जाएगी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है इनके खिलाफ में तो? कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है, एक ही दरोगा जी तो उनका दिमाग ठीक नहीं है, बाकी तो सब अधिकारी अच्छे हैं, उनसे ऊपर भी तो अधिकारी हैं, सीओ साहब हैं, सब लोग हैं, कोतवाली में अभी लोग अपना विषय रखने के लिए आए हैं, उनकी बात मानी जाएगी और नहीं मानी जाएगी तो उसके बाद फिर आगे अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। SMG प्राइवेट लिमिटेड गोकुल मथुरा पेश करते हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रिय नगरी गोकुल की प्रिय गाय के विशुद्ध दूध से बना गोकुलवासी देशी घी, विशुद्ध देशी तरीके से बना सरसों का तेल, सोयाबीन रिफाइंड, जिसकी हर बूंद में बसा है आपकी सेहत का राज। बिना किसी मिलावट के विशुद्ध देशी तरीके से बनी गोकुलवासी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और भी बहुत कुछ जो बढ़ाए आपके भोजन का स्वाद। अपने परिवार को मिलावट से बचाएं और शुद्ध खाएं। हमारा पता है SMG प्राइवेट लिमिटेड स्टेट बैंक के पास गोकुल मथुरा। हमारा मोबाइल नंबर है 8218055124 8006100755। शुद्ध खाएं, अच्छा खाएं, मिलावटी जहर से अपने परिवार को बचाएं।